गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 7 ओके नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर्स हमने स्टार्ट किया था बच्चों, याद है आपको एक्सरसाइज 11.1 में हमने देखे थे एग्जांपल नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने शायद कर दिया है। तो आप इसके आगे के लेक्चर वीडियो लेक्चर में देख लेना ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ओके। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। क्या बोल रहे कि स्क्वायर पार्क है और रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी एरिया सेम है। क्या है? एरिया इज सेम है। द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 60 मीटर। स्क्वायर पार्क की साइड क्या है? 60 मीटर। और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हमें क्या ढूंढना है? रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ ढूंढनी है, मतलब कि पहाड़ाई ढूंढनी है। समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ओके। ये दो पार्क हैं, एक स्क्वायर पार्क है, एक रेक्टेंगल पार्क है ओके। दोनों की एरिया सेम है। क्या है बच्चों? दोनों की एरिया सेम है। हमें इसकी लेंथ दी गिवन है 60 मीटर ओके। और रेक्टेंगल पार्क की भी लेंथ गिवन है क्या? 90 मीटर ओके। देखो आप इसमें देख, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क सेम एज द रेक्टेंगल पार्क, मतलब कि ये स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, तो दोनों की एरिया हमें ये सेम है ओके। ये क्या है बच्चों? एरिया सेम है ओके। इसकी लेंथ गिवन है 60 मीटर और इसकी भी लेंथ गिवन है 90 मीटर ओके, हमें मालूम है ओके। तो हमें इस ब्रीथ हमें क्या ढूंढना है? रेक्टेंगल पार्क के ब्रीथ ढूंढना है, ये हमें क्वेश्चन करना है ओके। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर पार्क के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क ओके, साइड मल्टीप्लाई साइड ओके। आप ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए ओके, साइड मल्टीप्लाई साइड ओके। तो साइड गिवन है तो हमें ये एरिया मिल जाएगा ओके। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर मैं 60 लिख दूंगी मल्टीप्लाई 60 ओके। तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 60 तो 6 6 36 ओके, 1 और 2 0 ओके, तो मीटर स्क्वायर ओके। ये हमें किसकी एरिया मिली? स्क्वायर की एरिया मिली ओके। फिर हमें बोला है कि देखो ये दोनों की एरिया सेम, मतलब ये 3600 है तो ये भी 3600 एरिया होगी, इसकी भी एरिया, मतलब कि अभी देखो यहाँ पर हमें दो चीज़ मिल गई ओके। यहाँ पर एल भी है और एरिया भी गिवन है, तो हमें ये एरिया का फार्मूला लिख के बी को ढूंढना है ना। समझ में आया बच्चों? तो ना मैं इस तरह से सेकंड स्टेप पे जाऊंगी कि एरिया ऑफ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम है ओके। द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क ओके। क्यों? हमें एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है, तो हमें मालूम है रेक्टेंगल पार्क की एरिया ढूंढना हो तो एल मल्टीप्लाई बी, आप ऐसे कर सकते हो ना, एल मल्टीप्लाई बी, मतलब कि एल हमें गिवन है 90 और बी हमें ढूंढना है ओके। इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? सो 90 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 3600 ओके। 3600 मतलब कि 3600 मीटर स्क्वायर ओके। समझ में आया बच्चों? तो बी ढूंढना है, तो बी इज इक्वल टू 36, ये
डिमोनेटर में चला जाएगा 90, ओके। यहाँ पर देखो 36 में 00 कट यहाँ पर, ओके। यहाँ पर 9 की टेबल में 36, ओके। 9 4 36 याद आ रहा है आपको, 9 4 जाती है, 9 को 4 से कट करूँगी यहाँ पर, 9 4 36। और ये 0 पहले ही कट गया है तो 1 0 बच गया, तो इसमें यहाँ पर मैं यहाँ पर ऊपर लगा दूँगी, ओके। तो हमें आंसर मिला B=14। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हमारा आंसर, तो thus the breadth of the rectangular park is 40 meters। समझ में आया? तो आप लिख सकते हो the breadth of, आंसर क्या लिखोगे, the breadth of the rectangular part is 40 meter। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड इट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर इज द, अ वायर इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, वॉट विल द मेजर्स ऑफ ईच साइड ऑल्सो फाइंड द विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक वायर है जो हमें रेक्टेंगल में, देखो बच्चों एक वायर है यहाँ पर जिसकी उसको रेक्टेंगल शेप में ले लिया है, उसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वायर है, इससे हमने ऐसे, ये वायर है पूरा इस तरह से रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ओके। तो यही वायर से हमें फिर से स्क्वायर बनाना है, ओके। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसकी लेंथ तो यहाँ पर 40 है और इसकी 22, ओके, ब्रेथ और समझ में आया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ओके। तो यही वायर है हमें इसको, यही वायर से हमें स्क्वायर बनाना है, समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सेम वायर इज अ रिबिट ऑफ द शेप ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर में हमें शेप देना है, फिर से फिर इसी यही वायर को खोल के स्क्वायर बनाना है, ओके। तो इसकी साइड की ये माप मेजरमेंट क्या होगी, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर द, व्हाट विल द मेजर ऑफ द ईच साइड, अभी ये स्क्वायर हमने बना दिया तो ये स्क्वायर की मेजरमेंट साइड की माप वैल्यू क्या होगी, ऐसे माप क्या होगा, ऐसे हमें बोल रहे हैं। और ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर को दोनों की में से एरिया कौन सा, दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा रहेगा, ऐसे हमने, हमें क्वेश्चन इसमें पूछा है। देखो यहाँ पर है, ऑल्सो फाइंड वी सेप एनक्लोज द मोर एरिया, मतलब कि ये रेक्टेंगल बन रहा है वायर से और उसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया है, तो दोनों में से रेक्टेंगल और स्क्वायर तो दोनों में से एरिया कौन ज़्यादा कवर कर रहा है, तो हमें इसकी एरिया भी ढूंढनी होगी, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल से, ओके। देखो बच्चों यहाँ पर है वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया है, ओके। तो पहले हम पेरीमीटर ढूंढेंगे, क्यों पेरीमीटर ढूंढने हैं, क्योंकि हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि इसकी पूरा लेंथ कितना है, तो कितनी साइड का हमें स्क्वायर मिलने वाला है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मैं क्या ढूंढूंगी पहले, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं पेरीमीटर ढूंढ रही हूँ, ओके। ऑफ द रेक्टेंगल, ओके। तो नाउ टू पेरीमीटर की फॉर्मूला आपको याद होगी, एल प्लस बी, टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी। तो यहाँ पर टू, एल क्या है 40 गिवन है, ओके, प्लस बी गिवन है 22, ओके। तो हमें 2 और 40 प्लस 2 तो 0, 2 यहाँ पर 2, 4 प्लस 2 6, ओके 62 मल्टीप्लाई 2 करना है, ओके। 2 2 जा 4, 2 6 जा
12 मतलब कि 124 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें इसकी पूरी पेरीमीटर मिली। ओके, क्यों पेरीमीटर ढूंढना है? क्योंकि इसी बाहर से हमें स्क्वायर बनाना है। ओके, तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो हमें याद है कि 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, पेरीमीटर क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो अभी देखो, यहाँ पर इसकी पेरीमीटर 124 है, तो हमें इसकी भी पेरीमीटर 124, क्योंकि ये दोनों वायर एक ही वायर है, एक ही सेम इसकी मेजरमेंट है। ओके, तो हमें वही वायर से तो लेना है ना, तो 124 यहाँ पर पेरीमीटर इसकी बन गई। ओके, यहाँ पर स्क्वायर की पेरीमीटर क्या बन गई? 124 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर साइड है, तो ये 144 में 4 को इस साइन डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, कोशिश करना है समझने के लिए। ओके, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन के अलावा। अगर बोर्ड पे होते तो मैं अच्छी तरह से आपको और आपकी क्वेरीज को सोल्व करते करते पढ़ा सकती थी, है ना बच्चों? तो यहाँ पर साइड क्या होगा, देखो अभी 24 को 4 से डिवाइड करना है। 4 3 12, 0 0, यहाँ से 4 4 1 4। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ। ओके, यहाँ पर आंसर इज 31। साइड क्या होगी? 31 सेंटीमीटर। समझ में आया? हमें स्क्वायर की साइज मिली, अभी दोनों की हमें एरिया ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में एरिया ढूंढूंगी, कंपेरिजन करना था ना हमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले एरिया ऑफ ओके, तो एल मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पर एल कितना था, यहाँ पर देखो 40 मल्टीप्लाई 22। ओके, तो 40 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 22 देख रहे हैं हम, तो 0 0 4 8 0 और 8, तो 0 8 8, तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर की एरिया निकालनी है हमें, तो एल मल्टीप्लाई एल, ये आपको फॉर्मूलेज याद रखना है ना बच्चों, जो आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो डीप में। तो इसकी साइड हमने ढूंढी, इसीलिए हमने स्क्वायर की साइड ढूंढी, देखो यहाँ पर। ओके, 31 मल्टीप्लाई 31, तो आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या होगा? 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया बच्चों? तो आप किसका बड़ा है? ओके, स्क्वायर, तो आप आंसर लिख सकते हो कि द स्क्वायर, आंसर क्या होगा? द स्क्वायर इंक्लोज closes more area than the rectangle. ओके, रेक्ट एंगल। ओके, समझ में आया? देखो यहाँ पर इजीली हमें पता चल रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल की एरिया से स्क्वायर की एरिया ज़्यादा हो रही है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 6। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या ढूंढना है? पेरीमीटर हमें गिवन है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर गिवन है। ओके, द 130, इसकी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ भी गिवन है। ओके, 30
30 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी लेंथ ढूंढनी है, समझ में आया। तो पेरीमीटर की फॉर्मूला यूज़ करके हमें लेंथ ढूंढनी है, फिर लेंथ मिलने के बाद में हम ऑल्सो फाइंड एरिया द रेक्टेंगल, क्या ढूंढना है, फिर रेक्टेंगल की एरिया भी ढूंढना है। तो हमें याद है, ओके, फॉर्मूला हमने लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7, हमें पेरीमीटर, रेक्टेंगल की पेरीमीटर गिवन है, ओके, पेरीमीटर कितनी है 130 सेंटीमीटर, ओके, उसकी ब्रीथ गिवन है, ओके, ब्रीथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो हमें एल ढूंढना है, ओके। तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, टू टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। टू एल कितना है, ओके, रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमें 130 सेंटीमीटर गिवन है, ओके, टू है एल तो हमें ढूंढना है, प्लस बी कितना है 30 सेंटीमीटर, ओके। अंडरस्टैंड बच्चों, ये मैंने आपको इस तरह से पहले भी करके दिखाया था, ओके। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, 130 मीटर है, तो देखो 130 सेंटीमीटर है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ओके, 2 और ये एल प्लस 30 यहाँ पर रह जाएगा, ओके, अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है। अभी 130 को 2 से डिवाइड करना है, 130 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, ओके, 30 में से 12 माइनस करना है तो 1 और यहाँ पर 0, ओके, 2 5 जा 10, ओके, तो क्या आंसर आया 65, यहाँ पर 65 इज इक्वल टू एल प्लस 30, ओके, समझ में आया बच्चों। अभी हमें एल ढूंढना है, तो एल इस ये प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा यहाँ पर, ओके, 65 माइनस 30, ओके, तो एल 65 में से 30 माइनस करना है, ओके, 65 माइनस 35 और 3 तो 35, ओके, तो एल हमें क्या मिलना 35, समझ में आ रहा है बच्चों। अभी हमें एरिया भी ढूंढनी थी, ओके, एरिया भी ढूंढनी थी ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, ओके, तो एल कितना होगा 35 हमने अभी ढूंढा, ओके, बी हमें गिवन था, कितना गिवन है बच्चों, बी हमें 30 गिवन है, ओके, तो यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 30 करना है आपको, तो यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 30 करना है, ओके, 0 3 5 ज़ा 50, 1 3 3 9 और 10, मतलब कि 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडरस्टैंड बच्चों, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर एट करते हैं बच्चों। द डोर ऑफ द लेंथ 2 मीटर एंड विड्थ 1 मीटर फिट इन द वॉल, ओके, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड विड्थ इज 3.6 मीटर इन फिगर 11.6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइल वॉशिंग द वॉल ऑफ द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक दरवाजा है यहाँ पर 2 मीटर और ब्रीथ है 1 मीटर की, ओके, द लेंथ ऑफ द वॉल, इसकी लेंथ कितनी है वॉल की 4.5 मीटर एंड ब्रीथ है 3.6 मीटर, ओके, यहाँ पर गिवन है, ओके, द फाइंड ऑफ कोस्ट वाइट वॉशिंग द वॉल द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द 20 मीटर पर स्क्वायर। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें वॉल की लेंथ गिवन है, वॉल की ब्रीथ गिवन है, तो हमें पहले इनकी लेंथ क्या ढूंढना है बच्चों, एरिया ढूंढना है, क्योंकि हमें वाइट वॉश करना है, ओके, वॉल ऑफ द बीम वाइट वॉश करना है, समझ में आया बच्चों। यहाँ पर देखो, तो फिर यहाँ पर हमें
पहले वॉल की डोर, जो डोर इंक्लूड है यहाँ पर, एरिया ऑफ द वॉल इंक्लूड द डोर, तो इनकी हमें ये ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? एरिया ऑफ डोर ढूंढेंगे और वॉल की एरिया भी इंक्लूड डोर, जो इंक्लूड है उसकी वॉल की भी एरिया ढूंढेंगे। ओके, दोनों की जो एरिया मिलेगी उसमें से बड़े एरिया में से डोर की एरिया को माइनस करना है। समझ में आया बच्चों? तो ये आप क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो द लेंथ ऑफ वॉल कितनी है। लेंथ ऑफ वॉल है 4.5 मीटर। ओके, फिर यहाँ पर ब्रीथ कितनी है, लेंथ ऑफ ब्रीथ 3.6 मीटर। अभी हमें एरिया ढूंढनी है, सो एरिया ऑफ द वॉल इंक्लूडिंग द डोर। ओके, डोर की एरिया इंक्लूडिंग है तो एल मल्टीप्लाई बी, तो हमें एल कितने हैं 4.5 मल्टीप्लाई 3.6। ओके, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो आपके आंसर आएगी 60.2 मीटर स्क्वेयर। समझ में आया? ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट हमें ढूंढना है डोर की एरिया ढूंढनी है। ओके, तो डोर की एरिया के लिए एल कितना है, सेकंड स्टेप रहेगा, डोर की एरिया के लिए एल कितना है 2 मीटर और ब्रीथ कितना है, ओके 1 मीटर स्क्वेयर। तो हमें एरिया ऑफ द डोर, तो यहाँ लिखना है एरिया ऑफ द डोर इजिकल टू एल मल्टीप्लाई बी, क्या होगा एल मल्टीप्लाई बी, तो 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो 2 1 2 2 मीटर स्क्वेयर, ये डोर की एरिया हुई, ये पूरे वॉल की जो इंक्लूड है डोर की एरिया हुई। ओके, तो अभी हमें जो वाइट वॉश करना है उसकी एरिया ढूंढनी है, तो एरिया ऑफ द वॉल टू वाइट वॉश। समझ में आ रहे हैं बच्चों? तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द वॉल टू बी वाइट वॉट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉल इंक्लूड डोर, एरिया ऑफ द वॉल वॉल इंक्लूडिंग डोर माइनस एरिया ऑफ द डोर। समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ द डोर। ओके, तो यहाँ पर 60.2 मीटर स्क्वेयर, ओके माइनस 2 मीटर स्क्वेयर। ओके, तो हमें आंसर मिलेगा 40। देखो यहाँ 60 में से 2 माइनस करना है तो इजी है, 40.2 मीटर स्क्वेयर। ओके, तो इतने में हमें वाइट वॉश करना है। ओके, तो इसकी पर रेट क्या होगी, हमें कोस्ट दी गई है 1 मीटर स्क्वेयर एरिया 20 रुपीस। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वेयर। ओके, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर डायरेक्टली 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 रुपीस, तो हमारे पास है पूरा 40.2 मीटर स्क्वेयर है, तो हाउ मैनी रुपीस। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो 40.2 मल्टीप्लाई 20 रुपीस। ओके, तो हमें इसको 40.2 मल्टीप्लाई 20 रुपीस। ओके, ज़ीरो है, 2 4 2 2 4 8 और 2, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट एक काट देना है, तो मतलब कि 284 रुपीस हमें पूरा कोस्ट मिलेगा। ओके, तो वाइट आप लिख सकते हो द कोस्ट ऑफ द वाइट वॉश द वॉल इज 284 रुपीस। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों
यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 हमारा ख़त्म हो रहा है। ओके, तो आपको अच्छी तरह से कर देना है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।